हाय, दिस इज बुल इन्वेस्टमेंट और आज मल्टी बेगर चार्ट के अंदर फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप इंडेक्स का स्टॉक है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, देश की सबसे दिग्गज बैंकों में से एक बैंक है ये कोटक महिंद्रा बैंक, सबसे बड़ी बैंकों में से एक बैंक है। अगर आप इसके हाई से देखेंगे तो हाई से करीब 27% नीचे चल रहा है। जो इसका प्राइस है वो अगर 2019-20 के प्राइस के आजू बाजू इसका प्राइस चल रहा है करीब, जो प्राइस 2020 में था 19-20 में वही प्राइस आज चल रहा है, मतलब करीब 3-4 साल हो गए इस प्राइस को, साढ़े तीन साल से प्राइस वही है। तो यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, जिनको मार्केट में इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, जो स्मॉल कैप या मिड कैप में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो वो सोचते हैं कि जो थोड़ा सेफ जगह पे मैं पैसे डालूँ, तो ये इंडेक्स का स्टॉक है उनके लिए। कि अगर आप देखेंगे तो 200 दिन की एवरेज के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेने आया है, तो काफ़ी चांसेस है। यहाँ पर वीकली चार्ट हम देख रहे हैं और जो मूविंग एवरेज है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है, 200 पीरियड का, 200 वीक कह सकते हैं क्योंकि पीरियड काउंट होता है, तो 200 वीक का ये मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, वहाँ पर ये सपोर्ट लेने आया है। पिछली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसने, ये कोरोना का दौर है, कोरोना में यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इसका हाई देखेंगे तो करीब 85% का इसने रिटर्न दिया, 87% का। उससे पहले यहाँ पे ये 2008 में जब मार्केट गिरा था तब इस यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद नीचे गया था, और 2009 अप्रैल में जब यहाँ से चलना शुरू हुआ था उसके बाद वो कभी 200 दिन के एवरेज के पास एक बार सिर्फ यहाँ पर आया था, ठीक है, फिर भी उसके नीचे नहीं गया और ऊपर के ऊपर 1300-1400% का रिटर्न दिया है। अभी भी ये सही जगह पे स्टॉक आया है। अगर आप सोचते हैं किसी लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ये जगह सबसे अच्छी जगह है, कि वीकली चार्ट के ऊपर ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर ये स्टॉक के अंदर मैं बाय करा था अपने क्लाइंट का तो उनका स्टॉप लॉस ये स्टॉक के नीचे रहेगा, हो सकता है 10-15% का स्टॉप लॉस हो यहाँ से जो करंट प्राइस चल रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे एक बार नीचे आएगी, क्लोजिंग देगी, उसमें 10-15 दिन तो आराम से टाइम निकल जाएगा, और 10-15% भी क्लाइंट का अगर स्टॉप लॉस के अंदर अपना पैसा जा सकता है। लेकिन आने के लिए यहाँ से अगर एक बार ये रन पकड़ेगा, मार्केट चलेगा और ये ऊपर जाएगा तो काफ़ी अच्छा रन देगा, यहाँ से आराम से 2-3 साल में ये पैसा यहाँ से डबल मुझे दिख रहा है, सेफ, एकदम सेफ, क्योंकि इंडेक्स का स्टॉक है और काफ़ी बड़ी बैंक है। तो अगर सेफ जगह पे भी अगर मैं 3 साल के अंदर भी अगर पैसा मेरा डबल होता है, अगर 10 लाख का 20 लाख होता है अगर 3 साल में भी, तो भी मुझे 25% का रिटर्न मिल रहा है, 25% का CAGR रिटर्न बहुत बड़ी बात है, वो भी एकदम सेफ। तो ये ऐसी जोन है, ऐसे स्टॉक को पकड़िए, इंडेक्स के स्टॉक जो निफ्टी के 50 स्टॉक है या ऊपर के जो ब्लू चिप कंपनियां, 100 कंपनियां जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप कंपनियां हैं, उनमें से ये बेहतर जगह पे है, तो यहाँ पे हम इसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो डेली में तो काफ़ी नीचे आया है, ठीक है, और करीब 3 साल से चला नहीं है स्टॉक, चला भी है तो ज़्यादा कुछ चला नहीं है। अगर आप देखेंगे इसके हाई से तो वो करीब 30% ही चला है, 3 साल से चला नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो 2020 से अभी तक कोई रिटर्न ही नहीं दिया है, ठीक है, 2020, तो आने वाले 2-3 साल में यहाँ से मुझे लग रहा है चार्ट देख के कि यहाँ से हमारा पैसा डबल कर सकता है। आप इस तरह के चार्ट को जिए, उसके ऊपर स्टडी करिए, आपको आइडिया आएगा कि कहाँ पर आपको लेना है स्टॉप लॉस। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि दो कैंडल, एक कैंडल तो नीचे आएगा और दूसरा कैंडल यहाँ पर आप उसको क्लोज होने दीजिए, 5%, 10%, 20% जो भी स्टॉप लॉस बनता है वो टाइम बताएगा कि कैंडल कितनी बड़ी बनती है, कितनी छोटी बनती है। तो आप यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस छोटा सा लेके, ऐसा तो छोटा सा स्टॉप लॉस दिख रहा है, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलिए, उससे बात करिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है, ठीक है। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, सीखते रहिए, थैंक यू।